गाइस बहुत सब नमस्कार केंचो आदाब से शेकल वनकम स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर मिसेस राजे। मैं हूं सचिन, आप सबका अपना दोस्त। और अभी हम लोग आ चुके हैं बालकनी में, बालकनी में आके आज सुबह सुबह शूट कर रहे हैं। काफ़ी दिन से आप लोगों को ये घर का वीडियो नहीं देखने को मिला है, लेकिन आज से आप लोगों को मिलना स्टार्ट हो जाएगा ना। अब मनीषा जीत चुकी होगी ना, तो ऐसे ऐसे करके देख रही है मेरे वाले वीडियो में। अब ऊपर से पता है आपको हाइट पर खड़ी है, तो अभी जाके मेरे बराबर होंगे, नहीं तो बहुत छोटू है, ये छोटू सी है एकदम। तो गाइस अभी मनीषा बना रही थी वड़ा, ठीक है, बहुत मस्त टेस्टी वड़ा। हम एक बाइट खाए तो हम बोले यार ये क्या है। जब खा के देख लिए तो उसका डेट ही एक्सपायर था भाई साहब, वो 9 महीने पहले एक्सपायर था। वो चीज़ बना के खिलाते, बताओ मेरे पर फेंको इसको जल्दी। एक बाइट में हमको पता लग गया कि ये टेस्ट नहीं है, तो फिर अब उसको फेंक दिया। 2021 में एक्सपायर हुआ, अक्टूबर 2021 में एक्सपायर हो चुका है वो। तो आप लोग बने रहना ब्लॉग के एंड तक, आई एम श्योर आप लोग को ये ब्लॉग अच्छा लगेगा। बाकी अभी मैं चलता हूँ कोचिंग सेंटर वगैरह, और मनीषा अपना घर गृहस्थी संभालेगी, ठीक है। अब मनीषा को यहीं रहना है काफ़ी दिनों के लिए, 7-8 महीने ही रहेगी, अपना मस्त इन्जॉय करेगी, मैं तो चल जाऊँगा। सब घर में बिल क्या कर रही है तुम, सब घर में लाइट वेट जल के कितना बिजली का बिल उठ रहा है, छाला हो गया है, दवाई लाते छाला का। सो गाइस मनीषा के मुँह में छाला हो गया, अभी जा रहे हैं दवाई पहले लेके आते हैं। मम्मी कहाँ हैं? मम्मी अभी गद्दा बनाने वाला कोई आया है। आया क्या? कपड़े का गद्दा बनता है, कपड़ा गद्दा बनवा लेगी तू, तो तुम भी सीख लो, तुम भी वहाँ बना लेना कपड़ा गद्दा। कहाँ भाग जाती है, जब हम इधर आते हैं इसीलिए हम उधर चल जा रहे हैं। मम्मी यहाँ पे है, मम्मी यहाँ से देख रही है इनका गद्दा वाला कौन सा है। आया है आपके गद्दा वाला? सब जींस धोन के बना देगा गद्दा। तो ये जो आदमी है ये देखिए, कपड़ा से गद्दा बनाने वाला तो एकमात्र मशीन। और मान लीजिए कि कपड़ा सब बेकार पड़ा है, कोई ले भी नहीं रहा है, तो उसको धुनवा के गद्दा बना देंगे तो बेड पे डला जाएगा, जो भी फटा वटा गद्दा है जो भी है सब बन जाएगा। अभी बच्चा नहीं है तो इसलिए नहीं उतर पाएगा, देख पे अच्छा जा तो रखे हैं। बढ़िया गद्दा का कपड़ा ऊपर और क्या चाहिए। सो गाइस यहाँ पे गद्दा वाला काम हो रहा है, बाकी हमारे कॉलोनी में फ्री इंटरनेट वाला भी सिस्टम आ गया है, देखो कितना सुंदर है। टिम्बॉल 1 मंथ फ्री इंटरनेट, सेम डे इंस्टॉलेशन, फ्री वाईफाई राउटर, कॉल कर लीजिए भाई साहब। गजब, सिवान में जो लोग हैं इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, मैं फ्री एडवर्टाइजमेंट कर दे रहा हूँ। बाकी चलिए तो ऐसे ऐसे देखिए ना, आँखवा खाली इसका देखिए ना, देखिए ना, देखिए ना, पूजा को पिन गाता रहता था, देखिए ना पहले कैसे भाग रही है, भाग हट गई कि ना, क्या मार रहा है उसको, मार थोड़ी रहे हैं तो मत मार देंगे अब हम, ऐसे आप करने से क्या होता है, अजूबा तो होता है इसका, अगला मार भी खा लेंगे। ये बोल रही पीछे से मम्मी को हाँ पे प्रैंक हो गया, आपको पता नहीं चल रहा है, हम बदमाश हो गए, बदमाश खोपड़ी है ये भाई। इस लड़की को क्या करना चाहिए, बाल सुनो तो छाला दुखा रहा ज्यादा अंदर छाला हुआ तो बाहर ऐसे ऐसे क्या कर रही है। दब दे हाँ, तो वैसे मनीषा को छाला निकला हुआ है फिलहाल, चलते हैं। आम खाई थी कल रात को, मजा आ रहा होगा ना, छाला में ऊन पर पड़ाता है ABCD। चलो उधर मम्मी के पास चलो, मनीषा को ड्यूटी लगवाते हैं थोड़ा। सब मम्मी लाइट पंखा चला के भाग गई थी आप, हम बंद किए हैं, के देगा इतना बिल, इसी रूम का हम बंद किए थे। यहाँ अपने प्रीपेड वाला यहाँ लगाया कि नहीं, प्रीपेड वाला यहाँ पे लगाया, स्कूल में लगाया है, रिचार्ज करो फिर बिल का फायदा उठाओ, बढ़िया सिस्टम है वो। एसी चला के चल रहा है, बिल भर रहे हैं हम, एसी बड़का चल रहा है, इसका नहीं चल रहा है, तो चलाता है एसी, तो हम ही लगवाए हैं दूध को आपके रूम में भी। हाथी मंगनी में मिलेगा तो हाथी के साथ, हाथी ऐसा गणेश जी का भक्त है कि उसका सब व्यवस्था भी मिल जाता है। एक ना वो रील का भी देखे ना, एक बोल रहा है गणेश जी पापा की जय,
भोलेनाथ की जय बोलने के लिए। तो यहाँ मम्मी अपना तैयार है, भोलेनाथ का बेटा है ही। पापा के नाम है शंकर भगवान, तो उन्हीं का बेटा गणेश जी है, वो कार्तिक जी है मेरे पास। लंबोदर, लंबा है जिसका उधर। कौन सा समास है बताओ, मान जाएंगे अगर बता देगी तो। लंबोदर का समास विग्रह करो और समास का नाम बताओ। हिंदी है, लंबा है जिसका उधर, बहुव्रीहि समास। समास क्या होता है बताओ तुम, हमसे बाद में पढ़िए, नहीं याद है, हम पहले का पढ़े तो सब याद है। समास कितने प्रकार के हैं? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद, कर्मधार, बहुव्रीहि, द्विगु, क्या तुम मैंने पढ़ी है? तो भी बिहार बोर्ड वाले लोग को तो हिंदी और मजबूत होता है। चलो बता जल्दी। आराम कुर्सी, समास विग्रह। आप लोग गाइस कमेंट करना। कैमरा पे पूछ लिए, सब भुला गई है, सब भुला गई है। चलो ये बता दो, ABCD में कितने लेटर होते हैं अल्फाबेट्स में? 26। मम्मी को अभी तक बवेल याद आ रहा है, कहीं हाँ लड्डू बताता है तो याद आ रहा है, ऐसे करता है लड्डू। एनीवेज गाइस, तो बहुत सारी मस्ती हो गई है, अभी जा रहा हूँ थोड़ा स्कूल पे, मेन ब्रांच पे जाऊँगा। ठीक है, और अभी हम लोग बैठे बैठे प्लान कर रहे थे कि हम लोग कहीं जाएंगे घूमने, नेपाल वगैरह, तो अभी देखते हैं। वो प्लानिंग हम लोग का यहाँ पे धजिया उड़ जाता है एक एक मिनट में, तो देखते हैं ये प्लान हम लोग का ओरिजिनल सक्सेसफुल हो पाता है या नहीं हो पाता है, लेकिन जो भी होगा आप लोगों को पता लगेगा। तो भाई मम्मी यहाँ नाश्ता कर रही है, बहुत सारे लोग उसको बोलते हैं कि वो कैमरा है। मैं आपको बताना चाहूँगा, वो बल्ब का होल्डर है गाइस, वो कैमरा नहीं है, वो बल्ब का होल्डर है, लेकिन उसका डिज़ाइन ऐसा है कि वो लगता है कैमरा, बट वो कैमरा है ही नहीं, वो बल्ब का होल्डर है। सब कन्फ्यूज है अभी भी, जो हम लोग 6 महीने पहले भी बताए थे कि वो होल्डर है। हाँ, ताकि पता ही नहीं चले। और रुकिए ना, उसमें वो करेंगे, उसको क्या कहते हैं, बल्ब लगा देंगे, तब नहीं बोलेगा कोई। भाई देखिए कपड़े से कैसे यहाँ पर कारीगरी चल रहा है गद्दा बनाने का, सब मोड़ छमोड़ के पता नहीं धुन देगा लोग काट काट के। आइए हमारी गाड़ी खड़ी। स्कूल में आ चुका हूँ मैं, उसको और मेरे स्कूल वैन का भी नाम वाम मिट चुका है। बाकी फिलहाल आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा है स्कूल का स्टेज, अभी एग्ज़ाम्स वगैरह चल रहे हैं। चलो देखिए कैसे गाड़ी देख रहा है। सबसे हम बहुत मतलब बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं, सबके साथ रहना मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और अभी अभी गाड़ी का सनरूफ खुल चुका है, ये देखो, कभी कभी ये सनरूफ खुल जाता है, अभी ये बटन दबाने से कोई काम नहीं करेगा, यही प्रॉब्लम हो गया पावर विंडो का, कोई विंडो नहीं खुल रहा है। ये देखो अभी सनरूफ क्लोज भी अगर करना चाहें तो नहीं होगा, ये पता नहीं कहाँ से रह रहा है, कुछ लूज है या कुछ है, कभी काम कर रहा है कभी नहीं कर रहा है। एनी वेज चलो स्कूल से निकलते हैं, काफ़ी देर हो गया स्कूल में, हम घर चलते हैं, थोड़ा सा नाश्ता वास्ता करेंगे, क्योंकि सुबह का वड़ा खाए हुए थे, उसके बाद से सैंडविच खाए हुए थे, वड़ा तो आपको पता ही है कहानी, सैंडविच खाए हुए हैं। बाकी चलिए चलते हैं घर। तो गाइस पहुँच चुका हूँ मैं घर, मुझे लग गई है जोर की भूख। मम्मी को आज बोले छनौरी बनाने के लिए, मम्मी आज छनौरी बना रही है। अरे उसको तो छनौरी बनाना सिखाना था, रुकिए उसको उठाते हैं। तो मनीषा यहाँ पर आराम कर रही हैं, अर्ली मॉर्निंग 4 बजे उठी थी, उठो चलो मम्मी छनौरी बना ली, सीख लेगी ना छनौरी, मस्त है। चलो रेसिपी उसका भी बना लेना गाइस, मेरा फेवरेट सब्जी है छनौरी, मनीषा का भी फेवरेट है, वही बना रही है मम्मी आज, हम बोले थे तो। चलो की बात पे उठ गई मनीषा, अब चल रही है किचन में अपनी सासू माम के साथ खाना पीना बनाने, तो आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाते हैं। तो दोस्तों इस ब्लॉग को रहने देते हैं यहीं तक, उम्मीद करते हैं कि आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन बताना, वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करना, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो, और बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले। जो ये सब्जी की रेसिपी है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, तो होपफुली नेक्स्ट ब्लॉग में थोड़ा बहुत हेल्प की जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लव यू ऑल।